आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस का 2010 का पेपर। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर वन से। हर एक सब्जेक्ट में 28 28 28 28 क्वेश्चंस थे हमारे। तो अगर एक घंटे में आपको 28 क्वेश्चंस करना है तो पेपर का लेवल क्या होगा कि डिफिकल्ट नहीं रखा जा सकता है। तो ये पेपर का लेवल हमारा आसानी था और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे 28 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन के अराउंड हमारे क्या थे, मेंस लेवल के ही थे। तो उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हमारा क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। 29 से हम लोग चालू करते हैं। 29 का मतलब हुआ कि पहला क्वेश्चन मैथ्स का। तो इसमें हम लोग बात करें कि ऐसा दिया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमको, जिसके रूट्स हमारे क्या होने चाहिए, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होने चाहिए। और हमको ये दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा माइनस पी के बराबर, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमारा, क्यू के बराबर है। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको ये रूट्स ये होने चाहिए वो हमको बनाना है। तो फिर क्या होगा कि हमारा इनका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 1 के बराबर है, बस सम ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो सम ऑफ फ्रूट्स अगर बात करें तो अल्फा बाई बीटा प्लस हमारा बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू हो गया हमारा अल्फा बीटा, और ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा हो चुका है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हमारा 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर इसमें हम लोग क्या करें कि अब यहाँ से जानते हैं हम लोग कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी रख दें तो हमारा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर निकल कर आ गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स वन और एक्स टू रूट हो और उस ये अगर रूट्स हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या है, एक्स वन इंटू एक्स टू का वैल्यू 1 के बराबर है और हमारा x1 प्लस x2 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हमारा कैलकुलस पे बेस्ड है। कैलकुलस लगेगी हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन पे बेस्ड है। तो उसमें हम लोग अगर बात करें तो वो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, वो है हमारा कि तीन फंक्शन दिए गए हैं, तीनों के तीनों हमारे कहाँ से कहाँ के बीच में डिफाइंड है, 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है। और ये फंक्शन है हमारे e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x स्क्वायर ऐसा है। और दूसरा हमारा gx फंक्शन है, gx फंक्शन है हमारा x इंटू e की पावर x स्क्वायर प्लस हमारा e की पावर माइनस x स्क्वायर। तीसरा हमारा फंक्शन है hx फंक्शन दिया गया है, एच एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस इंटरवल में बच्चों बात करें कि हमारा क्या है इस इंटरवल में कि 0 to 1 इंटरवल में ये डिफाइन किया गया है, और इस इंटरवल में इसका मैक्स वैल्यू क्या बोला गया है, ए है। इसका मैक्स वैल्यू क्या बोला गया है, बी बोला गया है। इसका हमारा क्या बोला गया है, इसका हमारा सी वैल्यू बोला गया है। तो बेसिकली हम लोग इन फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये क्या होगा हमारा इस इंटरवल में, एफ एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जी एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, हमारा एच एक्स होगा। ये तीनों फंक्शंस में आपस में ये रिलेशन होगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू हमारा 0 to 1, 0 to 1 के लिए होगा। क्यों कि इन दोनों फंक्शंस में कंपेरिजन करें तो यहाँ पर ये 1 माना जा सकता है और e की पावर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर, x हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में नंबर है। तो इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो हमारा ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारा ऐसा रिलेशन आ चुका है निकल कर। तो इनके हम लोग ग्राफ भी सोच सकते हैं, ग्राफिकल मेथड पे भी जा सकते हैं कि अगर क्या करें हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि हमारा एफ वन जी वन और एच वन इनका तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। और हमारा स्टार्ट करने का अगर बात करें कि x इज इक्वल टू हमारा 0 पे, तो 0 पे ये वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो ये हमारा, और हमारा x इज इक्वल टू 1 पे कितना होगा, 1 पे होगा e प्लस 1 बाई e, तो e प्लस 1 बाई e यहाँ पर हो गया। तो ये फंक्शन ऐसा हमारा चला गया कुछ ऐसा।
अब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर बात करें तो x इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, ये वन होगा। तो ये पॉइंट था 0.2, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन ऐसा था, ये जी एक्स हमारा क्या हुआ 0.1 से पास कर रहा है, और ये अगर बात करें तो ये भी 0.1 से पास कर रहा है। और फाइनली अगर x इज इक्वल टू वन पर इन तीनों फंक्शंस को देखें तो सेम ही वैल्यू अटेन कर रहा है। तो ऐसे करके ये ऐसे गया होगा, ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये बढ़ता ही रहा होगा, इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि ऑब्जर्व किया हम लोगों ने तो F1 इज इक्वल टू हमारा G1 इज इक्वल टू H1 के बराबर आएगा, और वो किसके बराबर होगा, E प्लस 1/E के बराबर होगा। अब इसमें हम लोग ये सोचें कि एफ डैश एक्स क्या रहा है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है हमारा 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा 2x कॉमन ले लिया जाए तो ये बनकर आ गया हमारा ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या हो रहा है कि ऐसे सोचा जा सकता है कि ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा क्या होगा, ये जो भी डेरिवेटिव आ गया है एफ डैश एक्स वो हमारा क्या है, जीरो से बड़ा है, किस इंटरवल में, 0-1 इंटरवल में। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और इनमें रिलेशन ये ऐसा है तो ये बढ़ता ही रहा होगा हमेशा। और ये हमारा क्या हुआ कि जब ये हमारा बढ़ के हमेशा इस इंटरवल में एफ एक्स सबसे बड़ा था उसका मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वन पर आ रहा है तो हमारा ये फंक्शन सब इसके नीचे ही थे, और ये हमारे क्या हो रहे हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है कि लास्ट में एक्स इज इक्वल टू वन पर भी इन दोनों फंक्शंस का जी एक्स और एच एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, ई प्लस 1/E के बराबर हो रहा है। इसलिए बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये दोनों फंक्शंस हमारे कभी भी एफ एक्स को तो क्रॉस नहीं किया होगा, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा तीनों का वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ए बी सी में क्या रिलेशन आएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये 8 क्वेश्चंस थे हमारे सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले, तो उनको हम लोग देखें तो कैसे क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 31, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों कि इसमें हमको ट्रायंगल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें हमारा प्रोजेक्शन रूल लग रहा है, जब भी आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या हो रहा होगा बच्चों कि आपको साइन रूल लगाना होगा या कोसाइन रूल या फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिर नेपियर एनालॉजी, इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आपको लगाना होता है। और ये क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि देखने में डरावने होते हैं लेकिन ये बहुत ही आसान इनका कैलकुलेशन होता है, तो आप इसको कर सकते हैं, हमेशा अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर हमारा क्या होता है रेस्ट्रिक्शन, जो भी हमारी कंडीशनल हमारी ट्रायंगल की हमारी कंडीशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी होती हैं, उन पे हमारे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे हमारा एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो फिर हमारा क्या रहता है, जैसे इफ इन केस ऑफ ए ट्रायंगल, इन केस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, हमारा क्या होता है कि अगर एबीसी एंगल हो गए हमारे तो क्या रहता है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ये हमारा इसके बराबर होता है। तो ये कंडीशनल हमारी आइडेंटिटी जो होती है उस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग बात करें है ए बाई सी इंटू साइन टू सी प्लस हमारा किसके बराबर है सी बाई ए इंटू हमारा साइन टू ए। इसका हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है, और बोला गया है कि जो भी ये एंगल्स हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तो ये किस में दिए गए हैं, एपी में दिए गए हैं। अगर ये एपी में दिए गए हैं तो वो एंगल्स क्या माने जा सकते हैं, एंगल्स माने जा सकते हैं बी बी माइनस डी ऐसा, और ये हमारा बी प्लस डी। डी क्या है हमारा, उस एपी का हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी माइनस डी प्लस हमारा बी
प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो यहां से बी क्या आ गया 60 डिग्री के बराबर आ गया है। बी हमारा 60 डिग्री के बराबर आ गया बच्चों, तो फिर क्या करना होगा हमको, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू का अगर बात करें तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि पहला अप्रोच अगर देखें तो पहला अप्रोच ये हमको समझ में आता है कि हमारा a इंटू टू साइन सी इंटू कॉस सी अपॉन क्या लिख दिया जाए, c लिख दिया जाए, प्लस हमारा क्या लिख दिया जाए c अपॉन a इंटू टू टाइम्स हमारा साइन a इंटू कॉस a, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिख दिया, हम लोग जानते हैं साइन रूल से कि साइन c अपॉन c इज इक्वल टू हमारा साइन b अपॉन b इज इक्वल टू हमारा साइन a अपॉन a, ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो ये हमारा किसके बराबर भी रहता है, ये रेशियो हमारा साइन रूल से 1/2r के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि हमारा 2 को इधर ले जाएं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, साइन रूल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसका 1/r के बराबर हो जाएगा। तो ये बन गया a cos c अपॉन हमारा a cos c अपॉन r, प्लस ये हमारा किसके बराबर बन गया, ये बन गया हमारा c और ये हमारा 2 sin a अपॉन a 1/r, तो c cos a अपॉन r ऐसा बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि a cos c प्लस c cos a जो है हमारा, ये प्रोजेक्शन रूल है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, b के बराबर। तो ये b अपॉन r आ गया, अब ये b अपॉन r है तो हमारा क्या किया जाए, b को इधर ले जाएं तो वो किसके बराबर हो गया, 2 टाइम साइन b के बराबर। b हमारा कितना था, 60 डिग्री था, तो 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, √3 के बराबर आ गया है। इसी तरीके से आप ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं कि क्या किया जाए कि a को क्या रख दिया जाए, ये मतलब ऐसा भी कर सकते हैं आप c को क्या रख दें, c को यहाँ से रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर दें। किसी भी तरीके से इनमें अप्रोच करने पर हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सिंपली साइन 2c को एक्सपेंड किया और फिर साइन रूल लगा दिया, तो वहां से हमारा क्या हुआ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका हमारा अगला क्वेश्चन भी हमारा सिंगल करेक्ट टाइप का है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप का, तो उसको हम लोग कैसे सोचेंगे उस पे बात करते हैं। तो वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसमें दो लाइंस दी गई हैं और वो उसका प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो वो प्लेन का इक्वेशन तो आ जाएगा, अब उस प्लेन से नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको L1 इज इक्वल टू 0, दो लाइंस हमको दी गई हैं, दो लाइंस भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/2 और हमारा x/4 प्लस इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3। ये हमारी दो लाइंस हैं, तो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर ये दोनों जो लाइन होंगी जिस प्लेन पे होंगी उससे नॉर्मल हमारा वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन हमारा क्या होगा, इन दोनों का क्या कर दिया जाए, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस हमारा वो हो जाएगा IJK। ये सबको मालूम है आपको, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का भी ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये हो जाएगा 3, 4, 2 और हमारा इनका क्या करना है, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों I इंटू ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा 8 रहेगा माइनस जे इंटू क्या होता है हमारा 9 - 8 मतलब 1 के बराबर हो गया, प्लस हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा, ये हमारा 16 मीन्स -10 आ गया, तो -10 टाइम्स हमारा k कैप ऐसा हो जाएगा, बेसिकली 8i - j - 10 k कैप ऐसा आ चुका है। तो ये वेक्टर आ गया, अब ये हमारा नॉर्मल टू द प्लेन है, अब हमको क्या करना है कि वो प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो क्या होनी चाहिए, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4।
इस लाइन को क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो इस लाइन को कंटेन अगर इसको करना है, उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन को कंटेन करे, और जो प्लेन इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि उसका इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन ये वेक्टर जो भी है, ये वेक्टर और ये जो हमारे इसके डायरेक्शन हमारे क्या है, रेशियो है 2, 3, 4, और हमारा ओरिजिन से वो पास करेगा ही करेगा। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइंस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था हमारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी आसान ही है। वो हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, और वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया गया है कि एक डाइस को कितनी बार टॉस किया गया, 3 बार टॉस किया गया है, एक डाइस को 3 बार टॉस किया। तो ये हमारा क्वेश्चन 33 हो गया कि एक हमारा डाइस को 3 बार टॉस करें। जो इनके आउटकम्स आए हैं R1, R2, R3 नाम दिया गया है, और ऐसा बोला गया है ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और उसकी पावर में क्या है, R1 R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 इज इक्वल टू 0। ऐसा होना है, एक डाइस था हमारे पास, उसको 3 बार टॉस किया गया। अब उसके जो आउटकम्स आए हैं, पहली बार में उसको R1 बोला गया, इसको R2, इसको R3 ऐसा बोला गया है। तो फिर क्या है कि हमारा ये ओमेगा क्या था, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, और ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर हमारा 3k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर ओमेगा के जो एक्सपोनेंट है वो एक हमारा 3 का मल्टीपल हो, एक हमारा 3 का मल्टीपल प्लस 1 हो, और तीसरा हमारा क्या हो, 3 का मल्टीपल प्लस 2 हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सम 0 होता है, यही हमको करना है। तो ऐसे बोल सकते हैं R1, R2, R3 इनकी सबकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से ही हो सकती है। तो हम लोग ऐसा सोचें कि हमारा 3K फॉर्म के नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 3 और 6। 3K प्लस 1 फॉर्म के नंबर्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हैं 1 और 4, और हमारा 3K प्लस 2 फॉर्म के नंबर्स क्या हैं, 2 और 5। तो हमारे क्या है कि अब एक जो भी R1 अगर है तो इन दोनों में से हो जाए, R2 अगर इन दोनों में से हो जाए, R3 हमारा इन दोनों में से हो जाए, तो फिर क्या होगा कि हमारा इसका सम 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल केस क्या आएंगे, फेवरेबल केस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यूब। ये 2 क्यूब कैसे आया है कि हम लोग ऐसा सोचें कि हमारा ये R1 क्या हो गया 3K फॉर्म का, ये 3K प्लस 1 फॉर्म का, ये 3K प्लस 2 फॉर्म का। तो ये दो तरीके से हो सकता है, ये दो तरीके से, ये दो तरीके से। ये 3 फैक्टोरियल क्या है कि जरूरी नहीं है कि R1 ही हमारा 3K फॉर्म का होना चाहिए, R2 भी 3K फॉर्म का हो जाए, ये 3K प्लस 1 हो जाए। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। टोटल केसेज कितने हो गए, टोटल केसेज हो जाएंगे हमारे पास 6 क्यूब। मतलब क्या है कि डाइस को पहली बार टॉस किया तो 6 आउटकम आ सकते हैं, दूसरी बार में 6, तीसरी बार में 6, तो टोटल 6 × 6 × 6 हमारा हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या निकल कर आएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यूब अपॉन हमारा क्या होगा, 6 क्यूब रहेगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान है, वेक्टर्स पे बेस्ड है हमारा। उसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, प्लेन में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें फिर हमको ये बताना है कि हमारा वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, हमारा रोम्बस है क्या, स्क्वायर है क्या, ये सारी चीजें हमको उसमें ऑप्शंस में दिया गया, और एक ही ऑप्शन हमारा क्या है उसका भी करेक्ट है। तो हम लोग ऐसे सोचें कि ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा पी क्यू आर एस दिए गए हैं, पी क्यू आर एस ये पॉइंट दिए गए हैं।
ये हमारे क्या है कि हमारा एक्स वाई प्लेन में ही है, सबके सब चार पॉइंट एक प्लेन में है। तो हमको ये शो करना है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि ये वेक्टर अगर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेलल साइड्स हो जाएंगी। ये और ये बराबर आ जाए तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर दोनों पैरेलल आ जाएं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग तुरंत चेक कर सकते हैं, अब इन दोनों के बीच का एंगल अगर निकालें वो 90 डिग्री है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि स्क्वायर या फिर क्या हो सकता है, हमारा रेक्टेंगल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सब लोग अपने आप कर सकते हैं, बहुत ही ये आसान क्वेश्चन था। और अगर क्या हुआ कि मान लें कि हमारा इसका और इसका लेंथ बराबर आ गया, तो फिर क्या होगा कि तब हमारा रोम्बस हो सकता है, ये पैरेलल साइड्स आती हैं हमारी निकल कर। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी पूरा हमारा जो थ्योरी में आप लोग पढ़ते हैं उसी पे बेस्ड है कि अगर हमारी तीन लीनियर इक्वेशन दी जाए, तीन वेरिएबल्स हों, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उस पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि हमारा एक 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि ए एक मैट्रिक्स है 3x3 का, और ए इनटू हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 100 ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। तो हैज एग्जैक्टली हमारा टू सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग इसका अगर थ्योरी पार्ट हमारा याद करें तो ये ऐसा होता था कि हमारा ए, अगर ए क्या है हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर बात करें तो उसकी वैल्यूज मानी जाए a11 a1 a2 a3 b1 b2 b3, और हमारा क्या माना जाए c1 c2 c3। वैसे ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लोग इस बिल्कुल बेसिक से सोचें तो ऐसे सोच सकते हैं कि ए हमारा जो भी ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसको इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी क्या होंगी, तीन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बन जाएंगी। एक्स वाई जेड में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, और उसका अगर क्या हो जाए डेल्टा नॉन जीरो हो जाए, अगर हमारा क्या हो जाए कि इसका डेट ऑफ ए हमारा जीरो के बराबर हो ना हो, तो हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है। और हम लोग अगर बात करें कि अगर डेल्टा क्या हो जाए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, देन नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हम लोग रिजल्ट्स जानते हैं, इनका क्रैमर्स रूल में भी हम लोग रिजल्ट जानते हैं। तो ऐसा अगर यहाँ पर देखें तो दो सॉल्यूशन कभी भी एग्जैक्टली टू डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, तो ऐसा कोई भी यहाँ से मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि तो हमारा ये जो तीनों इक्वेशंस है हमारी क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली टू रियल सॉल्यूशन हो जाए, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस हो जाए, तो फिर ये ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो इसका हमारा ऐसा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक भी मैट्रिक्स ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कैसे ये तीन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, तो वो भी देख सकते हैं अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो। तो ये हमारा इसमें क्या किया गया, ए को ये मान लिया, तो ये यहाँ से अगर कंपेरिजन करें तो ये आ जाएगा हमारा a1x plus a2y plus a3z is equal to 1 के बराबर। एक इक्वेशन इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और ये हमारे एलिमेंट को यहाँ से कंपेरिजन कर दिया, ऐसे ही आएगा b1x plus b2y plus c b3z is equal to 0, ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा हमारा लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, वो c1x plus c2y plus c3z हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक मिनट में ये करने वाला हमारा क्वेश्चन था, अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, लीबनिट्ज का डिफरेंशिएशन रूल पे बेस्ड है कि लीबनिट्ज का हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, कि इंटीग्रेशन इंटीग्रल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उस पे बेस्ड वो क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 है कि इंटीग्रेट करना है 0 to 1 नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना है, 36 लिमिट निकालना है हमको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो,
और 1/x³, और आया हमारा 0 to x, 0 to x हमारा टी इंटू एल एन टी प्लस 1/t⁴ प्लस 4 dt ऐसा दिया गया है। ये लिमिट निकालना है, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन जनरल, ये तो जनरल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि x³ नीचे ले लिया और ऊपर बन गया 0 to x हमारा टी इंटू एल एन टी प्लस 1/t⁴ प्लस 4 dt ऐसा बन गया। अब यहाँ पर ऐसे सोचे हम लोग कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो टेंड करेगा, ये भी जीरो टेंड करेगा, ये इंटीग्रेट करके फंक्शन जो रहा होगा वो एक्स का ही फंक्शन होगा, तो इसमें हम लोग क्या करें, एल हॉस्पिटल लगा दिया जाए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, नीचे हमारा क्या बन गया 3x² बन गया, ऊपर हमारा क्या बन गया एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस 1/ हमारा x⁴ प्लस 4 ऐसा बन गया है। अब यहां से क्या हुआ कि ये x एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया, हमारा निकल कर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन एक्स प्लस 1/ हमारा क्या आ गया 3x इंटू x⁴ प्लस 4 ऐसा आ गया है, ऐसा आ गया। तो यहाँ पर ये लिमिट हमारी स्टैंडर्ड लिमिट आ गई है कि ln 1+x/x का लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू हमारा 1 के बराबर होता है, तो ये डायरेक्ट हमारी लिमिट निकल कर 1 रख दें और यहाँ पर ये 0 रख दिया जाए, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, इसका लिमिट हो गया हमारा ln x प्लस 1/x हमारा 1 के बराबर, तो 1/3 इंटू हमारा क्या बन गया 4 बन जाएगा, तो 1/12 हमारा क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा लिमिट का, इसमें क्या किया गया है कि लीबनिट्ज का डिफरेंशिएशन रूल यूज किया गया है, वो हम लोग लीबनिट्ज का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यहाँ पर देखें, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम लोग अगर हमारा ये फाइ एक्स से हमारा मान लो कि ऐसा दिया गया कि एफ एक्स तक, ऐसा ये हमारा फाइ एक्स से मान लें कि जाई एक्स तक ऐसा इंटीग्रेट किया गया है, और ये हमारा एफ टी डी टी है, इसको इंटीग्रेट किया गया, तो फाइनली ये क्या होगा कैपिटल एफ एक्स, ऐसे मान सकते हैं ये एक्स का फंक्शन रहेगा। क्यों रहेगा एक्स का फंक्शन, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है लिमिट्स एक्स की फंक्शन में पुट की गई है, तो हमारा कैपिटल एफ डैश एक्स निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है कि हमारा जाई डैश एक्स इंटू एफ ऑफ हमारा जाई एक्स ऐसा माइनस माइनस, और इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमारा फाई डैश एक्स इंटू हमारा क्या होगा कि एफ ऑफ हमारा फाई एक्स ऐसा हो जाता है, तो इसका डेरिवेटिव, ये हमारा लीबनिट्ज का डिफरेंशिएशन रूल है। तो इस तरीके से उसको इंटीग्रेबल जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये यहाँ पर ये हम लोग कर सकते हैं। यही अगर फंक्शन हमारा क्या होता है कि यही फंक्शन अगर हमारा क्या हो जाए एक्स कॉमा टी ऐसा बन जाए कि हमारा ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ये भी एक्स का फंक्शन है, तो हमारा उसके लिए क्या होता है कि एक टर्म इसी में ऐड हो जाता है, वो ऐड होके जो टर्म आता है वो हमारा क्या होता है कि हमारा लिमिट्स यही रहते हैं फाई एक्स टू जाई एक्स ऐसा, और हमारा क्या होता है पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ता है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी कॉमा एक्स को, किसके रेस्पेक्ट में, हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये हमारा डी टी रहता है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा इस फंक्शन को, और उसमें टी को क्या ट्रीट करना होगा कांस्टेंट के तरीके से इसको ट्रीट करना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था 36 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 37। तो 37 में अगर बात करें तो 37 हमारा क्वेश्चन नंबर है, 37 तो 37 क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। तो ये क्वेश्चन हमारे 8 क्वेश्चन थे हमारे सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप के, तो आगे हमारे मल्टीपल करेक्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेट करना है 0 to 1, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है x⁴, बस थोड़ा सा हमारा लेंथी पढ़ सकता है आपको, तो ये हमारा x⁴ इंटू 1 माइनस x⁴
अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कैसे किया जाए कि हमारा इसको इंटीग्रेट करने के मेथड्स हम लोग देखते हैं। तो ऐसे सोचा जाए इसमें कि हमारा x की पावर 4 इनटू ये हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को होल स्क्वायर ऐसा लिख दिया जाए, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 इनटू हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस हमारा क्या 1 माइनस ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा होगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा, ऐसा बन जाएगा। अब इसको फिर से और थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, इसको एक टर्म माना जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स इनटू हमारा क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा, और ये क्या रहेगा प्लस हमारा 4 एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा अगर बन गया तो इसके अलग अलग टर्म्स कर लें हम लोग, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हमारा 4 एक्स इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा बन गया, प्लस हमारा क्या रहेगा ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा क्या बना होगा इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स की पावर 5 ऐसा रहा होगा, और इधर अगर करेंगे 4 एक्स की पावर 6 ऐसा रहा होगा। तो ये अगर ऐसा बनकर आ गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें 0 टू 1, नीचे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स की पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है, प्लस हमारा क्या लिखा हुआ है 4 एक्स की पावर 6 डी एक्स ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि 0 टू 1 एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 एक्स की पावर 5 डी एक्स 0 टू 1, और ये हमारा क्या बन जाएगा प्लस हमारा 4 टाइम्स हमारा एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इनको आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और इसको करने के लिए आप ऐसे सोचें कि x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 ऐसा कर दें, तो ये हमारा क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या फिर क्या करें कि आप इसको पूरा पॉलिनोमियल निकाल लें, इसका एक्सपेंशन करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर उसको क्या करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करके भी बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। या फिर टर्म्स को इस तरीके से कंबाइन करो कि ये हमारा ब्रेक हो जाए इस तरीके से, ताकि हमारा आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। तो ये क्वेश्चन आसान था, ये सब लोगों से करने लायक हमारा क्वेश्चन था। 38 का अगर बात करें तो 38 है हमारा 38 38 क्वेश्चन है हमारा। ये भी ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शंस की हेल्प लेना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस के बारे में चेक करना है, कैसा क्या दिया गया है। ये जो भी है फंक्शन एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, 0 टू इन्फिनिटी तक के लिए डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा एल एन एक्स प्लस हमारा 0 टू एक्स, 0 टू एक्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी डीटी ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या कर रहे हैं एक्स एफ डैश एक्स निकालें, तो 1 अपॉन एक्स प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 1 प्लस हमारा साइन एक्स ऐसा बन जाएगा। लिबनिट्ज का डिफरेंशिएशन रूल लगा दिया गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स, और ये हमारा रूट 2 टाइम्स हमारा क्या बन जाएगा, ये रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ हमारा एक्स प्लस पाई बाई 4 ऐसा बना होगा। ये कैसे आया, हम लोगों को मालूम है कि 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है कि हमारा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, हमारा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ये हमारा होगा यहाँ पर साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस हमारा पाई बाई 4 ऐसा होगा, रूट 2 टाइम्स भी होगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स हमारा जो होता है बच्चों, तो फिर ये क्या होता है हमारा कॉस एक्स बाई 2 प्लस हमारा साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर होता है। अब इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, मीन्स मॉडुलस ऑफ हमारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 ऐसा रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर इसमें हम लोग क्या करें कि रूट 2 से ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हमारा क्या होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शंस क्या हैं, कि अगर ऐसा बोला गया कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये क्या है हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स में मॉडुलस फंक्शन आ गया है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा, वो एग्जिस्ट हमेशा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है मॉडुलस फंक्शन यूज हो गया है यहाँ पर। दूसरा ये बोला गया कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन जीरो टू इन्फिनिटी बट नॉट डिफ्रेंसिएबल ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जीरो टू इन्फिनिटी के लिए बात हो रहा है सिर्फ, तो ये क्या होगा कॉन्टिन्यूस भी होगा और ये हमारा डिफ्रेंसिएबल नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन है, इसका क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में ऐसा बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन वन सच दैट ये ऑप्शन हमको ये प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू हमारा अल्फा टू इन्फिनिटी, ऐसा बोला गया है कि क्या ऐसा हो रहा होगा क्या कि अल्फा को एक हमारा वन से बड़ा नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या होगा हमारा एफ डैश एक्स का मॉडुलस लेस देन हमारा क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स होगा, तो इसको बच्चों ऐसे आप सोच सकते हैं कि हमारा इन दोनों फंक्शंस में इस फंक्शन में और इसमें क्या करना है आपको कंपैरिजन करना है कि क्या ये बड़ा होगा क्या, तो उसके लिए ऐसा बात करें कि अगर x हमारा 1 से अल्फा 1 से बड़े के लिए बात कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या रहा है मॉडुलस फंक्शन है, तो ये मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो फिर क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो फिर हमारा ये वैल्यू बढ़ती ही रहेगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो अब हम लोग ये सोचें कि ऐसे 1 अपॉन x क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन x क्या हमारा लेस देन ln x होगा, ये हमारा कब हो जाएगा x का, अगर x का वैल्यू हमारा क्या ले लें e ले लें, अगर x इज इक्वल टू e लिया जाए तब e से बड़े के लिए तो ये वैलिड हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा पार्ट है और ये जो पार्ट है इन दोनों फंक्शन में कंपेरिजन किया तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा हमारा x निकल कर आ रहा है e आ गया कि e से बाद के लिए हमारा ऐसा क्या होगा ये हमारा इससे बड़ा हो जाएगा। अब बस क्या है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो वो भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारा इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो वो तो रूट टू है और इसका बात करें तो ये तो कभी ना कभी किसी x पे रूट टू आ गया होगा और उसके बाद क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस बढ़ता चला जाएगा, क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर बात करें इसका ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स हमारा मॉडुलस ऑफ साइन x बाय टू प्लस पाई बाई फोर, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो हम लोग इसका देख सकते हैं कि ग्राफ ये हमारा कैसा रहेगा, ये हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो है तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा ये बढ़ता ही जाएगा, हमेशा बढ़ता ही जाएगा अगर ये जीरो टू एक्स किया गया तो, कोई ना कोई इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जरूर ऐसा आ जाएगा कि जब ये क्या होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रूट टू थी उसको भी क्रॉस कर जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ग्राफ इसका बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं, ग्राफ खूब आपको ये मालूम है बनाना। तो अगला क्वेश्चन इसमें हमारा चौथा ऑप्शन था बच्चों, चौथा ऑप्शन था कि देयर एग्जिस्ट बीटा ग्रेटर देन वन सच दैट, चौथा ऑप्शन अगर डी ऑप्शन का बात करें तो ये बोल रहा है कि हमारा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू बीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू हमारा जीरो टू इन्फिनिटी, ये बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई बीटा फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके लिए क्या होगा कि हमारा एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन बीटा होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्यों क्योंकि ये हमारा क्या है ये तो अनबाउंडेड फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन है,
तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो से जस्ट बड़ा किया जाए तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब अनबाउंडेड फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा कोई भी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा जिसका मॉडुलस हमारा मीन्स ये कभी भी सही नहीं होगा। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन वाला, इसको सोचने वाला क्वेश्चन हमारा ज्यादा था। ये अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 39। तो 39 क्वेश्चन हमारा ये पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैराबोला का ये हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें आपको रिजल्ट से याद है कि हमारा टी पॉइंट क्या मानते हैं पैराबोला में, अगर T1 और T2 दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो उस कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, तो फिर ये बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो एक सर्कल जैसे मान लो कि बना दिया गया, तो ऐसा बोला गया है दो पॉइंट लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला में दो पॉइंट लिए गए हैं। तो ये दो पॉइंट मान लिए जाएं ए और बी। अब इसको डायमीटर, ए बी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि क्या करता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला को टच करता है। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला को टच करने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, ये हमारा टेंजेंट होगा इस सर्कल पे। अब ये पॉइंट क्या माने जा सकते हैं, T1 स्क्वायर कॉमा 2T1। ये हमारा T स्क्वायर कॉमा 280, इसमें जनरल पॉइंट होता है, ए का वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या होगा T2 स्क्वायर कॉमा 2T2 हो जाएगा। तो हमारा स्लोप ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, ये हमारा बन जाएगा 2 अपॉन T1 प्लस T2। ये कैसे आएगा, ये तुरंत निकाल भी सकते हैं आप कि 2T2 माइनस 2 टाइम्स हमारा T1 अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ये अगर रिजल्ट आपको याद है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अब ये स्लोप आ गया, अब क्या होगा कि इसका जो मिड पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट सी। ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल का काम करेगा, वो हो गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2 कॉमा T1 प्लस T2, ऐसा होगा। अब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है यही हमारा क्या होगा, स्मॉल आर के बराबर होगा। और इस सर्कल का रेडियस आपको दिया गया है कि स्मॉल आर के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आर के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस ही आर के बराबर होगा। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस T1 प्लस T2 आ गया, मीन्स यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी -2 अपॉन R के बराबर। क्यों, क्योंकि हमारा T1 प्लस T2 का वैल्यू प्लस माइनस R था। तो इसके ऑप्शंस आपके कौन कौन से सही होंगे, +2 अपॉन R, ये हमारे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, बिल्कुल उसमें सिंपल सा क्या लगाना है हमारा, कोसाइन रूल लगाना है बच्चों। तो कोसाइन रूल आपको सबको याद होता है, बस उसी को आप अप्लाई कर दें। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बस बाकी करना क्या है ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, हमारी तीन साइड्स दी गई हैं, ए इज इक्वल टू x² + x + 1, बी इज इक्वल टू हमारा x² - 1, सी इज इक्वल टू क्या है 2x + 1। अब ये हमारा क्या है, उस ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो सबकी सब क्या होंगी, जीरो से हमारी बड़ी होंगी। अब यहीं पर अगर बात करें कि हमको ऐसा बोला गया है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या है हमारा 30 डिग्री के बराबर है, मतलब 180/6 हुआ, मतलब 30 डिग्री के बराबर है। तो हमको ये बताना है कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ठीक है, मतलब ऐसा ये हो रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि हमको एंगल सी दिया गया है, एंगल हमको अगर सी दे दिया गया है 30 डिग्री के बराबर, तो हमको यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कोसाइन रूल क्या होता है हमारा, कॉस सी इज इक्वल टू हमारा a² + b² - c² / 2 टाइम्स ab, ऐसा होता है। कॉस सी किसके बराबर हो गया हमारा, कॉस 30 डिग्री, कॉस
कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों? कॉस 30 डिग्री होता है हमारा रूट थ्री अपॉन टू के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें, ये हमारा टू इन टू ए, ए हमारा क्या है, ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हमारा बी क्या है, बी है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती है कि कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो इसमें कोई ना कोई जरूर लॉजिक लग रहा होता है, फैक्टर आपस में कैंसिल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर करें, ए स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या करें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ये हमारा टर्म को ऐसे ही रखा, ये अगर कर दिया जाए तो ये क्या होगा हमारा, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी अगर करें तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और हमारा ए माइनस बी अगर करें, ये माइनस ये करें, तो वो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा बन जाएगा। और ये नीचे तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स हैं ही हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बेसिकली हमारा क्या है कि ये हमारा फाइनली क्या बनना है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, तो उस क्वाड्रेटिक को आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। इसके अगर फैक्टर्स देखें तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, और इसके फैक्टर हो गए x इंटू एक्स माइनस वन, प्लस ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या हो रहा है कि ये फैक्टर और ये फैक्टर मिलकर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहेगी, और वो रूट थ्री बाई टू होगा, तो उसके हमारी एक्स की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। बस हमको क्या होगा, एक्स की वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी जिसके लिए ये हमारी साइड्स क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हमारा इस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 41, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे है। ये हमारा Z1, ये Z1 है, ये Z2 दिया गया है, और ये ऐसा दिया गया है कि Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू हमारा Z1 प्लस हमारा टी इंटू Z2 अपॉन 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी प्लस टी, और टी का वैल्यू बच्चों क्या दिया गया, 0 टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वैलिड होता है, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो भी पॉइंट होगा, ये हमारा Z1 और Z2 के क्या होगा, बीच में होगा, और ये रेशियो कितना होगा, Z1 में 1 माइनस टी किया गया, मीन्स ये 1 माइनस टी, और ये हमारा क्या होगा, टी होगा, तो टी इज टू 1 माइनस टी का ये रेशियो भी होगा, और ये जेड पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो अब इसमें हम लोगों को क्या बोला गया है कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ W, आर्गुमेंट ऑफ ये W का मतलब क्या हुआ कि ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या डिनोट कर रहा है, W, और वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया जा रहा है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है हमारा थीटा, अगर उसको डिनोट करें तो माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही हमको चीजों को इंटरप्रेट करना है, आंसर देना है। तो अब कैसे करेंगे, क्या किया जाएगा, वो अगर हम लोग देखें, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू।
तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मतलब क्या होता है, जेड वन और जेड टू के बीच का डिस्टेंस, तो वो इसके और इसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके बराबर होगा। ऐसा बोला गया है बी ऑप्शन में कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू, ऐसा बोला गया है। अब ये अगर ऐसा बोला गया है तो हम लोग ऐसे सोचें कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन का मतलब हुआ इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर, वेक्टर के तरीके से भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब ये आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू वो ऐसा हो जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। दूसरा हमारा, हम लोग जानते हैं कि जेड वन और जेड टू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन, तो वो हमारा क्या डिफाइंड होता है बच्चों, आपको बताया गया है कि जेड टू माइनस जेड वन अपॉन क्या होता है, जेड टू बार माइनस जेड वन बार। अब क्या है कि ये तीन कोलिनियर पॉइंट है तो क्या होगा कि ये हमारा जेड बीच में पॉइंट है तो यही कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या भी लिखा जा सकता है कि जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड बार माइनस जेड वन बार। तो ये कॉम्प्लेक्स स्लोप ही हमारा क्या लिख दिया गया है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो ये बच्चों क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको। अगला ऑप्शन ये दिया गया है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ हमारा जेड टू माइनस जेड वन, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा बोला गया है तो हम लोग बात करें, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इस डायरेक्शन में हुआ और आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन इसी डायरेक्शन में हुआ, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते। तो बच्चों हम लोग पहला कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, टीपी एक हमारा कौन सा सेट है, वो हमारा ए मैट्रिक्स जितने भी ऐसे पॉसिबल हैं कि एबीसी हमारे क्या क्या हो सकते हैं कि 0 1 2 से लगाकर हमारा पी माइनस वन तक हो सकते हैं, और हमारा पी क्या है, पी हमारा ऑड प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, पी का वैल्यू हमारा 2 नहीं होगा, बाकी हमारा उससे बड़ा ही होगा, ऑड नंबर होगा। तो इस कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे देख सकते हैं कि पी हमारा कोई भी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी का वैल्यू 5 भी ले सकते हो आप, 7 भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप उनके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब लेकिन इसको जनरल कैसे करेंगे, तो इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, पहला क्वेश्चन सब लोग कर सकते थे, और अगर आपने दूसरे में थोड़ा सा आपको सोचना था, दूसरे में आपको दिमाग लगेगा, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरा हो गया तो दूसरा हमारा तीसरे क्वेश्चन से ही रिलेटेड था। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन बात करें कि द नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट ए इज एदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और बोथ, मतलब ये हुआ कि वो सिमेट्रिक हो जाए या स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए या फिर हमारा क्या हो जाए, बोथ हो जाए। तो अगर क्या है हमारा सिमेट्रिक, अगर ये हमारा सिमेट्रिक होना है और ऐसा बोला गया है कि हमारा डेट ऑफ ए इज डिविजिबल बाई हमारा पी है, डेट ऑफ ए का मतलब हुआ डेट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्यों, सिमेट्रिक है तो ये हमारा मैट्रिक्स एक ऐसा दिखेगा, ए ए बी बी ऐसा दिख रहा होगा। तो इसमें बच्चों ऐसा बोला गया कि वो हमको सिमेट्रिक या फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है जो कि क्या होना चाहिए, जिनका डिटर्मिनेंट हमारा डिविजिबल बाई पी होना चाहिए। तो इसके अगर फैक्टर्स करें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे सोच सकते हैं। ऐसे अगर सोचा जाए तो फिर क्या होगा कि देखो यहाँ पर क्या है कि ए बी इनकी वैल्यू क्या हो सकते हैं, 0 से p-1। तो ये केस हो सकता है हमारा पहला कि ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी के बराबर हो जाए। क्यों क्योंकि ये फैक्टर हमारा p का मल्टीपल होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ये हमारे a और b क्या है, 0 से p-1 है, तो इनका डिफरेंस हमारा p का मल्टीपल कब होगा कि जब ये 0 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो बराबर होने के हमारे कितने ऐसे केसेज हो जाएंगे, 0 से p-1 मीन्स हमारे टोटल कितने मैट्रिक्स हो गए, ये टोटल p मैट्रिसेस।
ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पर कि a प्लस बी पी के बराबर हो जाए, क्यों? क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 2p के बराबर हो नहीं सकता है। तो a प्लस बी अगर p के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का वैल्यू जब हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारा b क्या हो रहा होगा, p माइनस 1 हो रहा होगा। फिर हमारा a इज इक्वल टू 2 होगा तो b इज इक्वल टू क्या रहेगा, p माइनस 2 होगा। ऐसे ही a इज इक्वल टू p माइनस 1 होगा तो b इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमारा 1 के बराबर होगा। तो ये इतनी सारी वैल्यू हमारी क्या होंगी कि तब भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारा p से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 से लगाकर p माइनस 1 केसेज हैं, तो ये p माइनस 1 केसेज हो गए। अब इसमें क्या है कि हमारा a प्लस बी भी बिल्कुल जीरो के बराबर हो सकता था, लेकिन वो कब कि a भी जीरो b भी जीरो, वो केस हमारा यहाँ पर ले लिया गया होगा। तो ये टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने हो गए, टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गए हमारे पास 2p-1। इतने हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस a हो चुके हैं। अब हम लोग बात करें स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, जीरो जीरो। और हमारा क्या है कि हमारा ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें इस फॉर्म में होने चाहिए कि ये बी हो जाए तो ये हमारा माइनस बी होना चाहिए। तो ऐसा तो हमारा हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि निगेटिव में नंबर तो है ही नहीं हमारा। तो ये एलिमेंट जो थे हमारे यहाँ पर ए बी सी, वो हमारे यहाँ से यहाँ के बीच में ही थे, तो वो कौन सा वैल्यू पॉसिबल है? ये हमारा पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली वेन b इज इक्वल टू जीरो, b जीरो हो जाए। तो इसका मतलब हुआ चारों एलिमेंट जीरो हो गए, चारों एलिमेंट जीरो हो गए, तो वो हमारा केस तो यहाँ पर कंसीडर कर ही लिया गया, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर इसके सिमेट्रिक हो या फिर दोनों हो जाए, नल मैट्रिक्स दोनों होता है, तो हमारा उसके कितने केस आ गए, हमारा 2p-1 आ चुके हैं। तो ये हमारा क्या था इस पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारा ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी, ट्रेस ऑफ ए मीन्स हमारा 2a इज नॉट मल्टीपल ऑफ, 2a इज नॉट मल्टीपल ऑफ, 2a इज नॉट मल्टीपल ऑफ पी। इसका मतलब क्या है कि हमारा देखो यहाँ पर बात करें a का वैल्यू जीरो से लगाकर p माइनस वन तक हो सकता था, तो हमारा यहाँ पर क्या है कि अगर ये मल्टीपल ऑफ p नहीं है मीन्स a इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस इंफॉर्मेशन का इस क्वेश्चन में हमारा दूसरे क्वेश्चन में इस कॉम्प्रिहेंशन के ये मीनिंग होगा कि a का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। अब डेट ऑफ a, डेट ऑफ ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी सी के बराबर होगा। अब क्या हो जाए, ऐसे हम लोगों को ये सोचना है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी से हमारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, बट ट्रेस ऑफ हमारा, ये ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, मतलब 2a, 2a हमारा मल्टीपल ऑफ मतलब पी से डिवाइड नहीं होना चाहिए था, तो हमारा क्या है कि ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता था। अब ए जीरो के बराबर नहीं था, ये नॉन जीरो था, तो क्या बी जीरो के बराबर हो सकता है क्या? बी अगर जीरो हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा कि हमारा ए स्क्वायर कहां से मल्टीपल ऑफ हमारा पी हो पाएगा। लेकिन हमको ऐसे ही मैट्रिक्स से निकालना था जो कि क्या होना चाहिए, जिनका डिटर्मिनेंट हमारा पी से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमारा क्या हुआ, ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1, 2 से लगाकर हमारा पी माइनस वन, मीन्स हमारी कितनी वैल्यूज आ गई है कि पी माइनस वन वैल्यूज। ऐसे ही अगर बात करें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी, तो वो कितनी होंगी, 1, 2 से लगाकर वो भी पी माइनस वन होंगी, मीन्स पी माइनस वन वैल्यूज हो चुकी हैं। अब क्या होगा कि ये हमारा a और b p माइनस वन वैल्यू ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा कि अगर इसको हमारा डिवाइड होना है, इसको डिवाइड होना है, तो c का सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आएगा, एक वैल्यू निकल कर आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे ये मैट्रिक्स कितने मैट्रिक्स हुए, देन टोटल टोटल सच मैट्रिसेस
इज इक्वल टू पी माइनस वन इन टू पी माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, पी माइनस वन का होल स्क्वायर। इतने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिनका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ पी नहीं होगा, लेकिन डिटरमिनेंट क्या होगा, हमारा डिविजिबल बाई पी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का इस कॉम्प्रिहेंशन के आंसर हो जाएगा। अब इसको आप कैसे सोच सकते हैं कि पी का वैल्यू आप ले लें, हमारा फाइव के बराबर ले लो, तो तुरंत आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ए और बी की वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू का सेट लिया जाए, तो उसके लिए सी हमेशा फिक्स होके आ जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा 44। तो 44 था कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है जिनका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो कि हमारा ऐसे सोच सकते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट डेट ऑफ ए कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी सी। हमको क्या करना है कि डेट ऑफ ए हमारा पी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो हमको क्या करना है वो हमको मैट्रिक्स से निकालना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट मल्टीपल ऑफ पी, वो ऐसे कितने मैट्रिक्स हैं वो निकालना है। तो पहले हम लोग निकालें कि टोटल मैट्रिक्स कितने होंगे, टोटल मैट्रिसेस इन टीपी वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे देखो ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो से लगाकर पी माइनस वन तक, तो ये हमारा पी इंटू पी मतलब पी क्यूब हमारे क्या हो गए, टोटल मैट्रिसेस हो गए इस सेट में अगर बात किया जाए तो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, पी क्यूब टोटल हो गए, इसमें वो हमारे मैट्रिक्स घटा दिए जाए जो क्या थे, वो मैट्रिक्स घटा दिए जाएं जिनका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या था हमारा, वो हमारा पी से डिविजिबल था। वो केस हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाला, पी माइनस वन का होल स्क्वायर ये निकाला है। अब हम लोग क्या करें कि उसमें हमारे वो केस इंक्लूड नहीं किए गए थे कि जब हमारा क्या था कि ए का वैल्यू जीरो था और बी वगैरह का वैल्यू जीरो था, वो केस इंक्लूड नहीं किया गया था। मतलब कि हमारा दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि हम लोगों ने नंबर ऑफ मैट्रिसेस कब निकाला था कि जब हमारा ए का वैल्यू जीरो नहीं था, और हमारा ए का वैल्यू जब जीरो नहीं था तो बी का वैल्यू भी जीरो नहीं आया था। तो ये केस हम लोग निकालें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी सी इफ ए इज इक्वल टू जीरो, एज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। तो सी का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, सी का वैल्यू हो सकता है हमारा सी इज इक्वल टू जीरो वन से लगाकर पी माइनस वन तक। इसी तरीके से हमारा क्या हुआ, इफ एज इक्वल टू जीरो और सी इज इक्वल टू जीरो, तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो वन टू से लगाकर हमारा पी माइनस वन। तो हमारा इसमें ये वाला केस की हमारा जब तीनों जीरो हो गए, ये वाला केस इसमें भी आया होगा और इसमें भी आया होगा, तो उसको एक बार काउंट करना है। तो ये केसेस कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 2p-1। बच्चों ये 2p-1 कौन से केसेस हैं कि जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, हमारा वो मल्टीपल ऑफ पी है, पी से डिविजिबल है, तो इस केस को हम लोगों को क्या करना होगा, इन केसेस को भी घटाना होगा। तो ये हमारा आ गया माइनस टू पी माइनस वन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इस सेट में टीपी में इतने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो कि क्या होंगे हमारे, वो हमारे जिनका डिटर्मिनेंट पी से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आ गया पी क्यू माइनस पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस वन प्लस टू पी माइनस टू पी प्लस वन, ऐसा आ गया। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, मीन्स पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर ये क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे इतने मैट्रिक्स होंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जेई एडवांस में। तो इसमें क्यों, क्योंकि इसमें हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लग गया कि हमारे कितने केसेस बन रहे हैं, तो इनको आपको केस वगैरह बना के ही आपको हैंडल करना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा कॉम्प्रिहेंशन क्या है। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन
तो दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है बच्चों, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है हमारा ये तो आसान है बिल्कुल, ये हमारा क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। इसमें एक सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स, और हमारा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन, ऐसा दिया गया है। ये सर्कल और ये हमारा हाइपरबोला जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स के नाम जो दिए गए हैं वो है हमारे ए एंड बी, ऐसा बोला गया है कि ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो फिर इसको कैसे हम लोग इसका डायग्राम ही बना लें, और फिर इसमें हमको क्या करना है, इसपे कितने क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कॉमन टेंजेंट निकालना है विथ पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एज वेल एज टू द हाइपरबोला। तो पहले इसका डायग्राम बना लें, ये सर्कल क्या है जिसका हमारा सेंटर क्या है, सेंटर हमारा है, सेंटर है 4,0, तो 4,0 हो गया। ये हमारा सर्कल देखने में इस तरीके से होगा। अब क्या हुआ, हाइपरबोला अगर बनाया जाए तो वाई जीरो रख दें तो ये हमारा ऐसा हाइपरबोला होगा। तो बच्चों हमारा पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि इन दोनों का जो ये कॉमन टेंजेंट होगा वो कॉमन टेंजेंट आपको निकालना है। तो कॉमन टेंजेंट निकालना है ये जिसका स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका बिल्कुल आसानी से कैसे आंसर निकाल सकते हैं कि मान लें कि ये किया गया, इसको करने का आपको ये मालूम ही है कि हमारा इसका एम स्लोप का टेंजेंट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 है बी स्क्वायर 4 है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, एम एक्स प्लस माइनस ये हमारा आ गया 9 एम स्क्वायर माइनस 4, ऐसा आ गया। अब इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसका ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इसका 4,0 से डिस्टेंस, 4,0 से डिस्टेंस मतलब ये हमको देखो, ये हमको टेंजेंट निकालना है पॉजिटिव स्लोप का, तो m पॉजिटिव होगा तो ये हमारा इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्टली भी यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरे तरीके से भी हम लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये ऐसा आ गया। तो अब इस लाइन का क्या भी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ये सर्कल पे भी टेंजेंट है, तो इसमें हम लोग क्या करें कि 4,0 से डिस्टेंस इसका कितना करें, इसका रेडियस 4 था, मतलब हमारा इसका डिस्टेंस ये ऐसे किया जाए, ये लाइन बन गया माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो हमारा 4,0 का मतलब हुआ 4m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 9m स्क्वायर माइनस 4, ऐसा हो गया, अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। ऐसा अगर दिया गया है तो यहाँ से m का वैल्यू निकालना है, वो बिल्कुल आसानी से कैसे आ जाएगा कि m जब पॉजिटिव वैल्यू है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 4m प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, 4 स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसको क्या करना होगा, आपको स्क्वायर करके ही सिंप्लीफाई करना होगा। तो स्क्वायर करके आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि m का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, ये क्वाड्रेटिक वगैरह बन जाएगा, वहां से आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एक तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी m की, तो ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा कॉमन टेंजेंट भी निकल कर आ जाएगा। अब दूसरा अगर बात करें कि दूसरा और कैसे सोचा जा सकता है, तो इसको ऐसे सोचा जा सकता था तुरंत कि इसमें हमारा जनरल पॉइंट क्या हो गया हाइपरबोला में, हाइपरबोला एक्चुअल में तो ऐसा होगा ना, तो बस हमको इधर वाला ही पार्ट लेना था। तो क्या होगा कि इसमें जनरल पॉइंट होगा हमारा 3 sec theta कॉमा हमारा 2 tan theta, ऐसा रहेगा, ये हमारा जनरल पॉइंट होगा। अब ये जनरल पॉइंट का हमारा क्या प्रॉपर्टी है कि हमारा इस पे टेंजेंट डालें तो वही टेंजेंट इस पे भी होना चाहिए, तो इस पे टेंजेंट अगर थीटा पॉइंट पे लिख दिया जाए, ये थीटा पॉइंट है हमारा 3 sec theta, 2 tan theta, इस पे टेंजेंट लिखी जाए तो वो हमारी क्या होगी, 3, ये हमारी होगी x sec theta अपॉन 3
माइनस वाई इंटू हमारा क्या होगा टेन थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन। मतलब क्या हुआ कि टू सेक थीटा एक्स माइनस थ्री वाई टेन थीटा माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका डिस्टेंस हमारा क्या करें, फोर कॉमा जीरो से कितना करें फोर हमारा कर दिया जाए, तो फोर कॉमा जीरो अगर रखें यहाँ पर तो एट सेक थीटा माइनस सिक्स अपॉन हमारा क्या होगा अपॉन हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना बनेगा फोर सेक स्क्वायर थीटा प्लस हमारा नाइन टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन जाएगा। तो अब इसमें हम लोग ऐसे सोचें कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हमारा इधर आ गया स्क्वायर, इधर आ गया फोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फोर सेक स्क्वायर थीटा प्लस नाइन टेन स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा ये एट सेक थीटा हमारा माइनस सिक्स ऐसा आ गया। ये सेक थीटा, थीटा हमारा क्या है कि थीटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो भी कॉमन टेंजेंट होगा वो हमारा ये ऐसा ही होगा, तो ये ऐसा तुरंत ये पॉजिटिव से ओपन हो गया। अब इसको स्क्वायर करके इसको बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर टेन थीटा आ गया तो इसका स्लोप कितना था टेंजेंट का, स्लोप यहाँ से आ जाएगा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री सेक थीटा अपॉन हमारा टेन थीटा। तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला इसका कि हमारा कॉमन टेंजेंट कैसे निकालना है, तो कॉमन टेंजेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉमन टेंजेंट यहाँ से बिल्कुल निकल कर आ जाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपको स्क्वायरिंग करना होगा, स्क्वायरिंग करने के बाद आपको तुरंत यहाँ से आंसर ही मिलेगा। बस आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि m का कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है। अगला क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज इट्स डायमीटर, हमको क्या करना है कि ये जहां पर ये कट किया तो ये दोनों पॉइंट है हमारे ए और बी। हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये सर्कल ऐसा बनाया गया था, ये पूरा फिर से बना लिया जाए इसी से हमारा, ऐसा ये सर्कल है, ये पॉइंट हमको दिए गए हैं, इसको डायमीटर मान के जो सर्कल बनेगा वो हमको निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, कैसे आसान है कि ये जो भी हमारा कर्व था हाइपरबोला और ये सर्कल ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो फिर क्या होगा ए और बी का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, बस हमको वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना है। तो क्या कर सकते हैं आप कि ये जो सर्कल था और ये जो हमारा क्या है कि हाइपरबोला है, इसको क्या कर लें कि इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करके हमारा क्या होगा, इनको सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ये पॉइंट निकाल सकते हैं, पॉइंट निकालेंगे तो फिर इसका सेंटर भी आ जाए। देखो क्या होगा कि हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव वाला ही हमको लेना है, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा यही क्या काम करेगा रेडियस का काम करेगा, तो ये सर्कल तुरंत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप में हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको देखना है। तो इंटीजर टाइप में आपको इंटीग्रल वैल्यू निकालना होगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, तो वाई प्लस जेड इंटू हमारा क्या है कॉस थ्री थीटा प्लस हमारा क्या है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा और हमारा क्या है एक्स इंटू साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू टू कॉस थ्री थीटा अपॉन वाई प्लस टू साइन थ्री थीटा अपॉन जेड और तीसरा इक्वेशन एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस टू जेड इंटू कॉस थ्री थीटा प्लस वाई साइन थ्री थीटा ऐसा लिखा गया है।
तो हमको इसमें ये बोला गया है कि थीटा का वैल्यू हमारा जीरो से पाई के बीच में क्या क्या होगा वो निकालना है, और क्या है हमारा ये बोला गया है कि हमारा इन ये तीनों का एक सॉल्यूशन होना चाहिए इस टाइप का एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और ये बोला गया कि एक्स नॉट इंटू वाई नॉट इंटू जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है कि ये जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि इसके कैसे सॉल्यूशंस होने चाहिए, ऐसे हम लोग सोचें कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं तो इनका क्या मतलब है, तो ये लीनियर इक्वेशन हमारी किस में है क्या है वो इसको किस फॉर्म में कर लें। हम लोग यहाँ पर क्या करें कि ऐसा कर दिया जाए कि ये एक्स वाई जेड है तो हम लोग वाई और जेड से इसको डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कि हमारा कॉस थ्री थीटा अपॉन जेड प्लस कॉस थ्री थीटा अपॉन वाई इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा एक्स इन टू साइन थ्री थीटा, ऐसा रहा होगा। अब इसको भी इधर ले आए जीरो कर दें, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है तो इसको क्या कर दें टू कॉस थ्री थीटा अपॉन वाई प्लस हमारा टू साइन थ्री थीटा अपॉन हमारा जेड माइनस एक्स इंटू साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही इसको अगर ट्रांसफॉर्म करें इसमें भी वाई और जेड से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा ये आ जाएगा हमारा, इसको इधर भी लेकर आ जाए तो माइनस एक्स साइन थ्री थीटा ऐसा इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारा वन अपॉन वाई, वाई का हमारा जो कोफिशियंट होगा वो हमारा कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा कि जब हमारा क्या रहा होगा टू टाइम्स हमारा टू टाइम्स कॉस थ्री थीटा ऐसा रहा होगा। और हमारा अगर ये क्या हुआ कि हमारा वाई जेड से इसको डिवाइड किया गया था तो ये हमारा क्या आया होगा कि हमारा वन अपॉन जेड का जो कोफिशियंट रहेगा वो हमारा क्या होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा कॉस थ्री थीटा और ये यहाँ पर क्या होगा हमारा यहाँ पर होगा प्लस साइन थ्री थीटा, और क्या होगा हमारा ये हमारा आ गया माइनस एक्स इंटू साइन थ्री थीटा। तो बेसिकली हम लोग क्या ऐसे सोचें कि एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड ये क्या है हमारे ये तीन हमारे वेरिएबल्स हैं। अब ये क्या है कि तीन होमोजीनियस इक्वेशन हमारी बन गई तो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, मींस हमारा क्या करेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हमको करना है, लेकिन ये हमको याद रखना है कि जो भी हमारे डेल्टा जहां जहां पर जिस थीटा पे जीरो हो रहा होगा उस पे बस ये एक्स और ये वाई और जेड की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी क्या आनी चाहिए नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो जिस फॉर्म में ऐसा दिया गया है अगर जैसे हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि ये डेल्टा इज इक्वल टू जीरो करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ ऐसा यहाँ पर माइनस साइन थ्री थीटा ये एक्स वाला कॉलम का जो भी कोफिशियंट्स हैं वो यहाँ पर माइनस साइन थ्री थीटा आया माइनस साइन थ्री थीटा आया। अब यहाँ पर मान लें कि हमारा दूसरे कॉलम में वाई का जो कोफिशियंट वन अपॉन वाई का है तो वो कॉस थ्री थीटा है, यहाँ पर क्या है हमारा टू कॉस थ्री थीटा है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कितना है हमारा टू कॉस थ्री थीटा है ये बात किया जाए, और हमारा जो जेड वन अपॉन जेड का कोफिशियंट है वो क्या है कॉस थ्री थीटा है, वो हमारा यहाँ पर कितना है टू साइन थ्री थीटा है, और हमारा ये जो है तो ये कितना है हमारा ये है कॉस थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या होना पड़ेगा जीरो तो होना ही पड़ेगा अगर इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब कि हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि तीनों जीरो के बराबर नहीं है वो वाले सॉल्यूशन। अब उसमें भी ऐसा बोला गया कि हमारा वाई और जेड क्या होने चाहिए नॉन जीरो होने चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ये देखें तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा बेसिकली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप अगर सिंप्लीफाई करें तो कॉस थ्री थीटा इंटू साइन थ्री थीटा इंटू हमारा ऐसा कुछ बनकर आता है कि कॉस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा ऐसा ये निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें कि ये जीरो हो जाए
या फिर हमारा ये जीरो हो जाए, तो इसमें क्या होगा कि जब साइन थ्री थीटा जीरो हो गया तो ये हमको चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको चेक इसलिए करना है बच्चों, बस यही पॉइंट इस क्वेश्चन में माइंड में रखना था कि आप ये डेल्टा बिल्कुल जीरो होना पड़ेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में एक और रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि ये हमारे दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। तो हमको वो थीटा का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, जहां पर क्या हो जाए कि हमारा ये डेल्टा तो जीरो हो जाए लेकिन यहाँ से जो वैल्यू एक्स नॉट, जो भी सॉल्यूशन एक्स वाई जेड आ रहे हो उनमें से क्या हो जाए कि वाई नॉट जीरो हो जाए या फिर जेड नॉट जीरो हो जाए, वो वैल्यू हमको एक्सेप्टेबल नहीं करना है। तो फिर हमारा अगर साइन थ्री थीटा जीरो हुआ तो साइन थ्री थीटा अगर जीरो कर दें, ठीक है, ये जीरो कर दिया गया, ये जीरो करने पर क्या होगा कि साइन थ्री थीटा जीरो किया तो ये टर्म जीरो हो गया। अब ये कॉस थ्री थीटा क्या होगा, ये जब जीरो है तो ये नॉन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ y प्लस जेड इज इक्वल टू ही क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि y प्लस जेड जीरो के बराबर है और वो 10 हो जाए, वो माइनस 10 हो जाए, बिल्कुल वो सही बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें, अगर साइन थ्री थीटा जीरो हुआ तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अब ये क्या बना, ये नॉन जीरो बना। तो ये हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थ्री, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो का मतलब क्या हुआ कि इसको आप सिंप्लीफाई करें, यहां से भी ऐसे आ जाएगा, ये हमारा जीरो किया गया, ये जीरो किया गया। जब साइन थ्री थीटा, एक ही केस आप अगर समझ लें तो पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये हमारा कॉस थ्री थीटा तो जीरो हो नहीं रहा होगा, तो वाई प्लस टू जेड भी जीरो होना चाहिए और वाई प्लस जेड भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जेड जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये एक्सेप्टेबल होगा साइन थ्री थीटा, ना तो कॉस थ्री थीटा एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। यहां से ये थीटा जो भी निकल कर आएंगे वो थीटा हमारे क्या होंगे, एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बेसिकली बस ये माइंड में रखना था कि होमोजीनियस इक्वेशन है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन बस वही वैल्यू वो थीटा की एक्सेप्टेबल होंगी जब हमारा वाई और जेड जो भी है वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए उन थीटा वैल्यूज के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है हमारा, कि एफ हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट, इसमें ये बोला गया कि एफ वन इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर है, और ऐसा बोला गया है कि इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ हमारा एब्सिस ऑफ p। इसका मतलब क्या करें कि हम लोग मान लें कि कोई एक कर्व है, उस कर्व पे हमारा x1 y1 पे टेंजेंट लिखी जाए, तो वो क्या होती है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन। अब इसका क्या बोला गया है कि हमारा टेंजेंट हो गया एक्स वन वाई वन पे, तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब हुआ एक्स जीरो, तो वाई इंटरसेप्ट हमारा जो आएगा, तो वो हमारा वाई इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया जाएगा, तो वो बन गया वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स वन, ऐसा बन गया। मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई वन माइनस एक्स वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा हो गया। ये किसके बराबर बोला गया है, ये बच्चों बोला गया हमारा क्यूब ऑफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, ये पी पॉइंट का जो हमारा एब्सिसा है उसके क्यूब के बराबर है, मीन्स ऐसा दिया गया है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और वो हमारा इंटीग्रेट करेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें एक हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, उसका वैल्यू यहां से निकल कर आएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी dy by dx into x, ये ऐसा,
इसको इधर ही लेकर चले जाएं और इसको इधर लेकर आ जाएं, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या बना होगा, माइनस वाई वन ऐसा, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, इज इक्वल टू हमारा माइनस एक्स वन क्यूब। एक्स वन से डिवाइड कर दिया जाए तो डी वन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग इसका फैक्टर निकालें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा हमारा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वन डी एक्स, ऐसा हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये एक्स वन वाई वन पे ही हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो इसको डायरेक्ट हमारा एक्स वाई भी आप कर सकते हैं, ये आपको बताया गया है। तो ये कितना आ जाएगा, एल एन एक्स आएगा, माइनस है तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स वन हो गया। तो ये हमारा इसको इंटीग्रेट करके हमारा जो सॉल्यूशन लिखा जाए तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वन अपॉन एक्स इंटू हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा बन गया। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करें तो माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी, और इस तरफ क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि सी का वैल्यू एफ वन इज इक्वल टू वन की हेल्प से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आप जनरल सॉल्यूशन निकालते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा बोल दिया जाए, तो उसका सॉल्यूशन आप जैसे निकालते थे वैसा ही बेस्ड ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आप कैसे करेंगे यहाँ पर देखना है। तो ये बोला गया कि हमको ये थीटा जो भी निकालना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही निकालना है, और क्या है हमारा थीटा क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट एन पाई बाई फाइव के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर एन इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। इसका मतलब ये थीटा का वैल्यू ये भी हमको नहीं लेना है। और क्या है कि थीटा क्या क्या दो इक्वेशन को हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट फाइव थीटा एंड साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर कॉस फोर थीटा, ये भी हमारा थीटा सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला हमको क्या करना है, थीटा निकालना है। तो वो थीटा कैसे निकल कर आएगा, क्या होगा, उस पर हम लोग अगर बात करें, बेसिकली ये थीटा यहाँ से यहाँ के बीच में ही हो, थीटा इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, और हमारा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इसको करे। तो अब क्या करें बच्चों, इसमें आप इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि इसको हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि हमारा कॉस फाइव थीटा अपॉन साइन फाइव थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा अगर आपने लिख दिया तो फिर क्या होगा हमारा कि फाइव थीटा का वैल्यू, कॉट अगर फाइव थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइव थीटा इज नॉट मल्टीपल ऑफ एन पाई, ये हमारा ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये हमारा आ गया साइन थीटा इंटू साइन फाइव थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू जीरो के बराबर, मतलब क्या हुआ इसका अगर सॉल्यूशन का बात करें तो सिक्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई ट्वेल्व। इस इक्वेशन से थीटा ये निकल कर आया है, और यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ से तो हर एक थीटा एक्सेप्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर साइन और कोसाइन फंक्शन ही यूज किए गए हैं, तो इनका हमारा इसमें डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारा। अब क्या करें बच्चों इसको, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, हमारा लिखा जा सकता है कॉस फोर थीटा को वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर टू थीटा, तो ये हमारा साइन टू थीटा ऐसा बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा टू साइन स्क्वेयर टू थीटा प्लस हमारा साइन टू थीटा
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के बराबर, तो यहाँ से हमारा ये क्वाड्रेटिक है, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हम लोग निकालें तो वो आएगा वन प्लस हमारा क्या होगा एट बन जाएगा, तो ये आ गया हमारा माइनस वन प्लस माइनस हमारा क्या होगा ये हमारा थ्री अपॉन फोर, मीन्स हमारा साइन टू थीटा इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर, माइनस वन के बराबर या फिर हमारा हाफ के बराबर। तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए या फिर हाफ के बराबर हो जाए और हमारा थीटा ये हो जाए, तो इनमें से वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगी, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और थीटा ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो भी इनके आंसर आएंगे वो वैल्यूज आप निकालेंगे, तो उन वैल्यूज को हमारा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रेंज में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो ये भी हमारा आसान क्वेश्चन था, भले ही इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि हमारा n क्या था, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो n का वैल्यू जीरो रख दिया पाई बाय ट्वेल्व बन गया, वन रख दिया थ्री पाई बाय ट्वेल्व बन गया, फोर अगर ये थ्री रख दिया जाए तो सेवन पाई बाय ट्वेल्व बन गया। बस हमको क्या माइंड में रखना है कि ये वाली इस फॉर्म में वैल्यूज हमारी एक्सेप्टेबल नहीं करनी है, वो वैल्यूज आपको नहीं लेनी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 का अगर बात करें बच्चों, तो 50 हमारा क्वेश्चन नंबर है 50 है हमारा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कोई भी बच्चा कर सकता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि हमारा एफ थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा 3 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, ठीक है ये सही लिखा गया है। तो 1 अपॉन ये हमारा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 3 बाई 2 टाइम साइन 2 थीटा, ऐसा बन गया है बच्चों। तो फिर इसमें आपको आप क्या कर सकते हैं कि इसको आपको क्या करना होता है, साइन टू थीटा ऑलरेडी है, कॉस टू थीटा में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस हमारा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस टू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये। तो यहाँ से क्या होगा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी आसानी से निकाली जा सकती है। क्वेश्चन में इसकी हमको क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, इसका मतलब इसको मिनिमम करना है। तो इसको मिनिमम आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं, आपको मालूम है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब ये आप क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे तुरंत कर पाएंगे, तो ये हो गया 3 प्लस 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा प्लस 3 बाई 2 साइन 2 थीटा, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, यहाँ से ये वैल्यू आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, दो वेक्टर है हमारे ए और बी। ए वेक्टर है आई माइनस टू जे अपॉन रूट फाइव और बी वेक्टर है हमारा टू आई प्लस जे माइनस प्लस थ्री के अपॉन रूट फोर्टीन। दोनों हमारे क्या हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इस चीज को आपको यूज करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तब आपको इसका वैल्यू निकालना है। आप एक्सपेंड करके इसको आसानी से इसको बिल्कुल आप निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी ऐसा है, और इसका क्या किया गया है, क्रॉस किससे लिया गया है, ए माइनस टू बी ऐसा लिया गया है। अब इसको आप सिंपलीफाई बिल्कुल
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं, तो उसकी हेल्प से आप इसको, इस एक्सप्रेशन को आसानी से बिल्कुल सिंपलीफाई कर पाएंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आप इसको बिल्कुल कर ही सकते हैं। इसको आपको यहाँ से सिंपलीफाई करना होगा। आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमारा किसके बराबर होता है, ए डॉट सी टाइम्स हमारा बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स हमारा क्या होता है, सी वेक्टर होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, हाइपरबोला से है। इसमें ऐसा बोला गया है कि हमारा एक लाइन दिया गया है, वो लाइन क्या है, लाइन टेंजेंट है हाइपरबोला पे। तो उसको ये करना है आपको कि इफ दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्स एक्सिस। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ 52 नंबर में क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है 52 में, कि ये एक हमारा हाइपरबोला है, ऐसा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें हमको एक लाइन दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये ऐसा इसका डायरेक्ट्रिक्स एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। लाइन हमारी क्या है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मीन्स वाई इज इक्वल टू ये ऐसा, और ये हमारा लाइन ऐसा कुछ दिखेगा। ये क्या लाइन इज टेंजेंट, मतलब इस पे टेंजेंट है, इस पे टेंजेंट है, तो क्या होगी कि ये टच करते हुए जाएगी बच्चों, तो ये यहाँ पर टच करेगी। तो ऐसा बोला गया है कि हमारा ये कहाँ से पास करती है, ये हमारा जहां पर डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को कट करे, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा। तो ये पॉइंट तुरंत हमारा कैसे निकाला जा सकता है, और फिर इसमें फाइनली हमको क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हमारा वाई जीरो रख दें, वाई जीरो रख दें, तो ये कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू जीरो रखने पर एक्स इज इक्वल टू हाफ आ गया, एक्स हाफ आ गया है। इसका मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए बाई ई इज इक्वल टू हाफ के बराबर। तो ए इज इक्वल टू हमारा किसके, टू ए, ई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, टू ए के बराबर, ऐसा आ चुका है। यहाँ पर क्या किया आपने, ए अपॉन ई को क्या रख दिया, a अपॉन a इज इक्वल टू हाफ के बराबर, तो e इज इक्वल टू टू ए के बराबर ये आ चुका है। अब इसमें क्या है कि एक ये हमारा क्या था, ये टेंजेंट b लाइन थी, तो टेंजेंट लाइन थी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट होता है। तो इस फॉर्म में लिखा जाए तो y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 1 और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारा 4 के बराबर, मीन्स 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक हमको ये रिलेशन मालूम है, एक हमको ये मालूम है, और एक हमको रिलेशन ऑलरेडी हमेशा पता होता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। तो ये तीसरा रिलेशन हो गया। यहाँ से ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ से इसेंट्रिसिटी आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा भी करने लायक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और वेक्टर 3D का। बच्चों ज़्यादा वेटेज रहता है, तो इसको ज़रूर आपको सारे बच्चों को करना है। अगर आपको अच्छा स्कोर मैथ में करना है, तो इनके क्वेश्चंस इन चैप्टर के तो आपको करना ही होगा। तो अगला है हमारा इसमें 53 नंबर क्वेश्चन, 53 है हमारा। बच्चों कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है हमारा। ऐसा बोला गया कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ए एंड द प्लेन कंटेनिंग ए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स बोल रहा है, इसका मतलब वो पैरेलल प्लेन्स ही रहे होंगे। तो ये हमारा बोला गया कि एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स ए, ये दो लाइन है हमारी x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4, और एक हमारा लाइन है ये ऐसा,
ऐसा ये बोला गया है कि हमारा ये दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन, तो वो प्लेन तुरंत आप कैसे निकाल सकते हैं, वो प्लेन ऐसे प्लेन का इक्वेशन आपको बताया गया है डिटरमिनेंट फॉर्म में, x माइनस वन वाई माइनस टू और ये हमारा z माइनस थ्री और ये क्या हो जाएगा 2 3 4 और 3 4 5, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। और दूसरा प्लेन हमारा क्या दिया गया है, ax माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी। तो बेसिकली क्या है कि इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या दिया गया है, हमारा रूट सिक्स दिया गया है, तो हमको डी का मॉडुलस का वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों हमारे पैरेलल प्लेन होंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा और फिर डी का वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो आपको फॉर्मूला पता होगा, वो सबको बोर्ड में भी वो फॉर्मूला याद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन करना है, वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी फंक्शन यूज किया गया है वो हमारा कैसा फंक्शन है, वो हमारा बच्चों पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसको आप कैसे करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 54, उसमें आपको इसका एफ एक्स हमारा ऐसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये बच्चों क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑड, ऐसा। और हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इवन। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं और फिर इसको इसमें आपको वैल्यू निकालना है, पाई स्क्वायर अपॉन 10 इनटू 0 माइनस 10 टू प्लस 10 तक इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स इनटू कॉस पाई एक्स डीएक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहले आप अगर एफ एक्स का ग्राफ बनाए तो एफ एक्स का बिल्कुल आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं कि इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाए ऑड हो जाए, तो ऑड नंबर क्या होता है 1 3, तो अगर ये हमारा क्या हुआ x अगर 1 से 2 के बीच में हुआ, ये x is equal to 1, x is equal to 2, ये x is equal to 3, तो ये हमारा क्या होगा कि ये लाइन ऐसा होगा। और ऐसे ही बात करें यहाँ पर कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन हो जाए मतलब 0 हो गया तब ये हो जाएगा, तो अगर x 0 हुआ तो हमारा क्या होगा कि ये 1 के बराबर होगा, ऐसा हम लोग बनाए इसको पूरा x इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो ये 1 रहेगा यहाँ पर ऐसा, और हमारा क्या होगा कि जब ये 1 टेंड कर रहा होगा, x हमारा 1 टेंड कर रहा होगा तब इसका वैल्यू हमारा क्या होगा 1 टेंड करेगा, मतलब ऐसा होगा ऐसा यहाँ पर ये ओपन। बेसिकली हमारा क्या होगा कि यही ग्राफ रिपीट होगा, ये हमारा ऐसे करके ऐसा जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा इस तरीके से ये हमारा इसका ग्राफ बना। इसका ग्राफ अगर बन गया है एफ एक्स का तो ये क्या है बेसिकली पीरियोडिक है, ये पीरियड इसका कितना है, ये हमारा पीरियड किसके बराबर है बच्चों 2 के बराबर है, तो इसका पीरियड 2 के बराबर आपको पता चल गया है। अब ये हमारा क्या है कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स का भी पीरियड आपको पता है बच्चों कितना होता है 2 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि हमारा 2 पाई पीरियड कॉस एक्स का होता है, उसमें हमारा कॉस ए एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन मॉड ए होता है, तो 2 पाई अपॉन क्या कर दिया जाएगा पाई कर दिया जाएगा तो 2 आएगा, तो इसका भी पीरियड 2 है इसका भी पीरियड 2 है, तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि हमारा इसका वैल्यू अगर आई माना जाए तो आई इज इक्वल टू क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन 10, और क्या रहेगा बच्चों ये हमारा कितना इंटरवल है माइनस 10 से प्लस 10, 10 इंटरवल्स हैं, मतलब 10 इंटू 0 टू 2 एफ एक्स इंटू हमारा क्या होगा कॉस पाई एक्स ऐसा हो जाएगा डीएक्स। अब इसको आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको 0 टू 1 और 0 टू 1 और कहां से कहां तक 0 टू 1 और 1 टू 2 ब्रेक करके आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब अगला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, इसमें ये दिया गया है ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3,
ये दिया गया है और हमको ये बोला गया है कि वो जेड निकालना है जो हमारा इस डिटर्मिनेंट को क्या करें, जीरो के बराबर बना दें। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग ये देख सकते हैं ओमेगा क्या है, हमारा एक नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो फिर क्या होगा कि हमारा ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस चीज को हम लोगों को यूज करना होगा। तो यहाँ पर देखें कि अगर कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, अगर ये कर दिया जाए तो ये हमारा क्या बनेगा, ये जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, जीरो के बराबर होता है। तो ये जेड ये जेड ये जेड ऐसा बन जाएगा और ये क्या रहेगा हमारा, ये ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 और ये जेड प्लस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हुआ कि जेड कॉमन आ गया और ये अगर दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा क्या होगा, ये 1 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा ऐसा बनकर आएगा। अब इसको अगर सिंपलीफाई आप करें तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाता है हमारा जेड क्यूब। तो जेड क्यूब को क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। अब ये इसको सिंपलीफाई आप डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको निकालना आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जेड क्यूब इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जीरो। तो फिर हमारा जेड जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू जीरो ही हमारा एक इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 56। वो कैसे किया जाएगा, वो क्वेश्चन है हमारा उसमें ऐसा दिया गया है कि इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का हमारा फर्स्ट टर्म दिया गया है टर्म वन दिया गया है हमारा के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल, ऐसा दिया गया है। हम लोग यहाँ पर देखें तो ये दिया गया है हमारा ये दिया गया के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल और कॉमन रेशियो क्या दिया गया है, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन के बराबर ऐसा दिया गया है। तो हमको वैल्यू निकालना है 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to 100 ऐसा इसका वैल्यू हमको निकालना है। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इनटू हमारा एस के लिखा हुआ है। तो पहले हमको एस के निकालना होगा, ये एस के क्या है, ये इनफाइनाइट जीपी का हमारा सम है। तो हम लोग बात करें कि एस के ऐसा अगर बात किया जाए तो एस के किसके बराबर होगा, एस के होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारा फर्स्ट टर्म रहता है, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है इनफाइनाइट जीपी का। तो ये हमारा क्या आएगा, के माइनस 1 अपॉन के फैक्टोरियल और ये क्या रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन के। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया हमारा ये k माइनस 1 कट जाएगा तो 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा बन चुका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है, सोचना है हमको कैसे निकलेगा। ये मॉडुलस है हमारा k इज इक्वल टू 1 to 100 और ये क्या बन गया, के स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 1 अपॉन, ये हमारा क्या रहेगा, अपॉन बन गया के माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसमें हमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि के हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे तो हमारा कोई दिक्कत का बात नहीं है, फैक्टोरियल है, पॉजिटिव नंबर ही निकल कर आएगा। और यहाँ पर अगर ऊपर बात करें तो ऊपर क्या है, के इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो रहा है, वो हमको सोचना होगा। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये था हमारा ये एस के था, यहाँ पर इस टर्म को हम लोग सिंपलीफाई कर रहे हैं। अगर देखो एस वन बच्चों सोचा जाए तो एस वन का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा दिया गया था हमको कि डिनोट द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज ये एंड कॉमन रेशियो। अगर देखो अगर क्या हो जाए कि हमारा ये के इज इक्वल टू 1 हो जाए, मीन्स एस वन का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टी वन कितना होगा, टी वन बच्चों जीरो के बराबर हो जाएगा, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसका सम क्या होगा एस वन का, वो जीरो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगाया गया होगा कि जब हमारा कॉमन रेशियो 1 नहीं रहा होगा
तो तब ही ये फॉर्मूला लगाया गया होगा। तो एस वन का वैल्यू बच्चों जीरो है मैक्सिमम। जहां आप कहीं पर भी सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे तो आपको क्या दिया गया है कि एस वन इज इक्वल टू वन के बराबर, वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल दिया गया था। इसलिए क्या होगा कि हमारा के इज इक्वल टू वन रखा जाए तो एक टर्म जीरो बन गया है। जीरो बनने का मतलब क्या हुआ कि वो सारा सारे के सारे टर्म्स उसके जीरो बन जाएंगे। अब अगर टू का बात करें, एस टू का अगर बात किया जाए तो हमारा एस टू कितना होगा? एस टू हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, एस टू यहाँ से ही आ जाएगा, एस टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ऐसे ही एस टू इज इक्वल टू वन आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, के का वैल्यू टू रखें तो ये हमारा माइनस वन आएगा। इसका मतलब कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है। तो ये बनाया जा सकता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जीरो प्लस वन। जीरो प्लस वन का मतलब ये हुआ, ये वन कब आया है कि के इज इक्वल टू वन टू रखने पर। टू रखने पर क्या हुआ है, एस टू हमारा वन के बराबर है, ये माइनस वन हुआ तो मॉडुलस से वैल्यू हमारी प्लस वन हो जाएगी। ये कब आया है, जब के इज इक्वल टू वन के बराबर है। प्लस के का वैल्यू अगर थ्री से स्टार्ट करें तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये हमारा कैसे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव से ही ओपन रहेगा। तो k इज इक्वल टू हमारा 3 से 100 के लिए ये बन गया हमारा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 अपॉन हमारा क्या बन गया, k माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा बन गया है बच्चों। तो फिर क्या किया जा सकता है कि ये हमारा 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल ये तो था ही हमारा। अब इसमें आपको ये सोचना है कि इसको हमारा डिफरेंस फॉर्म में जरूर बनाना होगा, मतलब ताकि टर्म्स आपस में कैंसिल होते चले जाए। तो इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 अपॉन ये हमारा क्या बन गया, k माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, वो ऐसे सोचा जा सकता है कि हमारा यहाँ पर क्या किया जाए, 2 कर लें तो यहाँ पर माइनस 1, तो ये बन गया हमारा k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 माइनस 1 ऐसा अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा बन गया। तो ये बनकर आ गया फाइनली वन अपॉन के माइनस थ्री फैक्टोरियल, के माइनस थ्री फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसमें क्या है कि के की वैल्यू हम लोग रखते चले जाएं थ्री से, तो ये क्या बनेगा वो हम लोग अगर देखें बच्चों, तो फिर ये क्या बनेगा, के इज इक्वल टू थ्री, थ्री के लिए करें, के इज इक्वल टू फोर के लिए, यहाँ पर ऐसा करें, ये हमारा ये टर्म ऐसा डिफरेंस फॉर्म में आ गया। तो डिफरेंस फॉर्म में अगर ये आ गया है बच्चों, तो फिर क्या किया जा सकता है कि इसको हम लोग यहाँ पर देखें, और ऐसा ये बनकर आ गया, तो फिर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर ऐसा इसको अगर देखा जाए तो k इज इक्वल टू थ्री रख दें, k इज इक्वल टू फोर रख दें, k इज इक्वल टू फाइव रख दिया जाए, ऐसे रखा जाए। तो अगर थ्री रखेंगे तो ये क्या बन गया, वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल माइनस क्या बन जाएगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल ऐसा, फिर वन अपॉन वन फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल। और k का वैल्यू 100 तक हमको रखना था, तो k इज इक्वल टू जब 100 होगा तो ये क्या आएगा, वन अपॉन 97 फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन ये हमारा 99 फैक्टोरियल। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये और ये कटेगा, ऐसे ही ये और ये कटा होगा, तो हमारा दो टर्म यहाँ से बचे होंगे और दो टर्म यहाँ से बचेंगे। तो बेसिकली जो वैल्यू हमको निकालना था, जिसकी वैल्यू, तो वो हमारा क्या था कि 100 स्क्वायर अपॉन क्या था कि 100 फैक्टोरियल ऐसा था, और ये हमारा क्या बना था, प्लस जीरो प्लस वन ऐसा। और इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर आएगा, ये और ये बचे होंगे, तो मतलब ये टू हो गया, टू माइनस ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा यहाँ से दो टर्म बचे होंगे, मीन्स माइनस वन अपॉन 98 फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन 99 फैक्टोरियल ऐसा रहा होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, थ्री बन गया, ये हमारा 100 अपॉन क्या बन गया, 99 फैक्टोरियल प्लस थ्री माइनस ये हमारा 99 अगर फैक्टोरियल कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा, 99 प्लस वन ऐसा बन गया, मीन्स ये टर्म और ये टर्म कट गया, तो आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, थ्री के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पेपर वन का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम जगह पर आंसर आपको क्या दिया हुआ है, चार दिया हुआ है आपको,
तो वो चार क्यों नहीं होगा, क्योंकि S1 का वैल्यू हमारा क्या है, हमारा जीरो के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये हो गया तो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इस वजह से हमारा ये पेपर हम लोग वन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पेपर टू, नेक्स्ट लेक्चर में आप पेपर टू हम लोग सॉल्व करेंगे।